अमनो अमान की फजा कायम होगी। जीरो रेटेड का क्राइम का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। अब कोई भी मुजरिम कानून की आंख से बच नहीं पाएगा। पंजाब हुकूमत का जराइम की रोकथाम के लिए इंकलाबी इकदाम। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर ट्रेवल आई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। हर किसी का शनाख्ती कार्ड नंबर सिस्टम में दर्ज होगा। इश्तेहारी का शनाख्ती कार्ड नंबर आने पर सिस्टम फौरी निशानदही करेगा। कौन आया, कौन गया, कौन जाने। मुल्तान के जनरल बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन ट्रेवल इंस्टॉल हो ही नहीं सका। बस स्टैंड पर इंतजामी बदनज़मी। मुसाफिरों को बगैर शनाख्ती कार्ड चेक किए बिना टिकट के फरोख्त जारी। इंतजामिया खामोश। तेजाब गर्दी की लर्जा खेज वारदातें रुक नहीं सकी। जनूबी पंजाब में खवातीन पर तेजाब गर्दी के वाकयात में इजाफा। तेजाब की खुलेआम फरोख्त जारी, कौन रोकेगा। साबिक जंग इंसदाद दहशतगर्दी मलिक खालिद महमूद कहते हैं कि तेजाब फेंकने वाले मुलजिम को उम्र कैद या 14 साल कैद बामुशक्कत हो सकती है। 36B यानी किसी पे तेजाब डालना, अगर किसी पे कोई शख्स तेजाब डालता तो मैक्सिमम सजा जो है वो इसकी लाइफ है और मिनिमम जो है वो 14 साल सजा है। चिश्तिया में गुज़श्ता रोज तेजाब गर्दी का दिल दहला देने वाला वाकया। खूबसूरत इंसानी चेहरा बिगाड़ने वाले दरिंदा सिर्फ शख्स पर मुकदमा दर्ज। दूसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। उधर वजीर तवनाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक की वन यूनिट आमद। तेजाब गर्दी का शिकार खातून और बच्चों की अयादत की, इलाज मुआवजे की मुफ्त सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। लीडरशिप वही है जो आने वाले वक्त के बारे में सोचे। सूबाई वजीर खजाना मखदूम जहां हाशिम जमा वक्त का रहीम यार खान प्रेस क्लब की तकरीब हलफ बर्दारी से खिताब। कहा कि आवाम की आंखों में धूल झोंकी गई कि सब ठीक है। गुर्बत को नजरअंदाज करके हमने 310 अरब से मेट्रो ट्रेन तामीर की। मुशीर वजीर आला पंजाब हनीफ खान पतापी का निश्तर हस्पताल का दौरा। सफाई के नाकस इंतजाम पर इजहार बरहमी। हस्पताल में फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात का जायजा लिया। मुल्तान अदालत में मनशियात केस की समाअत। साबिक लीग की एमपीए के बेटे समेत दो मुलजमान अदालत में पेश। दोनों मुलजमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वॉक में डेंगू की अलामत, एहतियाती तदावीर और शहरियों को अपने घरों, गलियों, मोहल्लों और दफातर की सफाई की अहमियत को उजागर किया गया। उधर लोधना में इंसदाद डेंगू इजलास और आगाही वॉक मुनक्द की गई। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की मुनासबत से विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर से सर्कुलर रोड तक आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। रहीम यार खान में सीईओ हेल्थ अथॉरिटी के जरिए सरबराही इंसदाद हेपेटाइटिस इजलास मुनक्द किया गया।